हमारे ख्याल से जब नमाज में हम सलाम फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं तो वो सलामती किस पर है? बड़ा प्यारा सवाल है, बहरहाल अच्छा है, सोचने वाले सोच लेते हैं। अल तहियातुलिल्लाह व सलावातु तय्यिबात अस्सलाम अलैका अय्युह नबी, फिर कहते हैं अस्सलाम अलैना वाला इबादिल्लाह सालिह, तो हो गया प्यारे रसूल पर और नेक बंदों पर। फिर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जब सलाम फेरते हैं तो असल मकसद इस सलाम का है नमाज से निकलने की निशानी। प्यारे रसूल ने फरमाया है तहरीमुहा अत्तकबीर, तकबीर तहरीमा इसी नाम से कहते हैं कि अल्लाह अकबर कह के जब आप खड़े हो गए तो तमाम चीजें जो नमाज में जायज नहीं वो हराम हो गई, न खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना और कुछ, तो इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं, तहरीम तकबीर। जब तक आप सलात पढ़ रहे हैं हर चीज हराम रहेगी। वो तहलील व तस्लीम यानी सलात को खोलना जो है या ये जो हराम है हराम को जायज करना ये सलाम के जरिए से, जो चीज हलाल है वो भी हराम हो जाती है आपकी नमाज के अंदर, तो उस हलाल को हलाल करना ये किस जरिए से है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये एक हिकमत है। लेकिन किसके किसके ऊपर सलाम? आपने प्यारे रसूल पर भी सलाम फेर दिया, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन भी कहा कि हमारे ऊपर भी और अल्लाह के नेक बंदों पर भी सलाम हो, तो ये भी हो गया। तो ये जो है इसका मकसद यह है कि आप नमाज से निकल रहे हैं लेकिन जब अस्सलामु अलैकुम कह रहे हैं आप, तो उलमा ने जो शरह में लिखा है इसका माना यह है कि आप अगर जमात के साथ पढ़ रहे हैं तो आप अपने भाइयों पर सलाम फेर रहे हैं, अल्लाह दुआ कर रहे हैं उनके लिए कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती हो, तुम्हारे ऊपर अल्लाह की सलामती और बरकतें हो। अगर तनहा पढ़ रहे हैं तो फरिश्ते आपके साथ हैं, फरिश्तों पर यह सलाम जाता है, ये बाकायदा उन्होंने कहा है। लेकिन मकसद उसका क्या है कि सलात से निकलना। अब मसलन सलात से निकलना, आप जमात खड़ी हो गई, आप नफिल पढ़ रहे हैं, नफिल सलात पढ़ रहे हैं, दो रकात पढ़ रहे हैं, जोहर की आकर के अभी इकामत नहीं हुई लेकिन इकामत खड़ी हो गई, इकामत हो गई, सलात खड़ी हो गई, इमाम खड़े हो गए, तो क्या है? क्या रसूल ने फरमाया ला सलात इदा उकीमत सलात फला सलात इल मक्तूबा, इकामत हो जाए सलात मक्तूबा फर्ज नमाज की तो कोई नमाज नहीं है। अब आप खड़े होकर के दूसरी रकात नफिल पढ़ रहे हैं और एक इमाम अल्लाह अकबर कह के खतरा है कि खतरा हो ना भी हो तो हुक्म क्या है कि अब अस्सलाम वालेकुम कह के, क्योंकि आप बधे हैं तकबीर तहरीमा कह के, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह के एक ही रकात पर जाकर के आप अपने जमात के साथ मिल जाएं। अब बाद में उसको कजा करें या ना कजा करें कोई जरूरी नहीं है। तो जब हम सलाम फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहते हैं तो सलामती किसके ऊपर है? अगर जमात के साथ है तो अपने भाइयों पर है और फरिश्तों पर, और न सिर्फ फरिश्तों पर है।